ओके हाय एवरीवन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी जेडी जैक्सन से ही है चैप्टर नंबर फोर है और टॉपिक नंबर है फोर पॉइंट फाइव अब मैं आपको इसमें थ्योरी दिखाती हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी है ये देखिए इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा है सो so, हम जेडी जैक्सन से ही करेंगे लेकिन हमारा जो काम का जितना पोर्शन uh, हमारा काम का सिर्फ हम उतना ही लेंगे सो वी विल नॉट टेक एवरी थिंग फ्रॉम दिस बुक आ, पर मेन आइडिया हमारा बुक से ही होगा ठीक है तो यहां से मैंने इससे शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसमें काफी चीजें अवॉइड की है क्योंकि वो जरूरी नहीं है मेंशन करना एग्जाम में सो so, यहाँ पर देखिए आपके पास मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी से क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिलता है तो वो दो तरह से मिलेगा फर्स्ट आपको मिलेगा कि डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन मोलिकुलर पोलराइजिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एंड सेकेंड आपको मिलेगा कि डिराइव द क्लासिय मोसोटी रिलेशन ठीक है तो वो हमें करना है सो so, मैं पहले आपको ये बात जो मैंने नोट्स बनाए हैं मैं आपको पहले वो दिखा देती हूँ वो डेरिवेशन करवा देती हूँ देन आई विल शो यू इन द बुक ठीक है तो हमारे पास में देखो ससेप्टिबिलिटी uh, ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो हमने पहले भी देखा है कैपिटल पी पॉलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन ये होता है कैपिटल पी इज गिवन बाय पी इज इक्वल्स टू एपसे नॉट टाइम्स कैपिटल ई के नीचे जो सब्सक्रिप्ट लिखा हुआ है स्मॉल ई विच मीन्स इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ इन डाइलेक्ट्रिक मीडिया विथ क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स अगर किसी डायलैक्ट्रिक मीडियम में हम देखें तो उसमें काफी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी पास पास में होते हैं सो द पोलराइजेशन ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स गिव राइज टू एन इंटरनल फील्ड ई आई एट एनी गिवन मॉलिक्यूल इन एडिशन टू द मैक्रोस्कोपिक फील्ड कैपिटल ई क्या हो रहा है कि सपोज आपके पास कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम है उसमें हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दी ई e. लेकिन उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स में वैसे तो इंसुलेटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब एक किसी न्यूट्रल एटम पे जब किसी न्यूट्रल एटम पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है तो पोलराइजेशन हो गया तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन होने की वजह से बहुत सारे डाइपोल बन जाते हैं बहुत सारे डाइपोल बनने की वजह से उनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उस पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सो यहाँ पर यही कहा गया है कि इन मीडिया द पोलराइजेशन ऑफ नेबरिंग मॉलिक्यूल्स जिस मॉलिक्यूल पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसके आसपास के जो मॉलिक्यूल्स है उनका पोलराइजेशन होने की वजह से एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है जिसे हम इंटरनल फील्ड बोल रहे हैं ई आई करेक्ट और बाहर जो एक्सटर्नल फील्ड लगी हुई है वो तो है ही है सो so, आपको ई e, आई और ई e में डिफरेंस पता चल गया कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जो हम डाइलेक्ट्रिक पर बाहर से अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से अंदर डाइपोल क्रिएट हो गए और उन डायपोल्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है वो इंटरनल फील्ड है ई आई करेक्ट अब हमारे पास में इस इंटरनल फील्ड का एक्सप्रेशन हमको निकालना है तो इफ द वॉल्यूम वी कैपिटल वी वॉल्यूम है इज चोजन टू बी ए स्वेयर मान लीजिए हमने एक अंदर जो वॉल्यूम वी है वो स्फेरिकल शेप का चूज किया है उसकी रेडियस आर है और उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल उस स्पेयर में आ गए सो द टोटल डाइपोल मोमेंट इन साइड उसके अंदर मॉलिक्यूल आ गए तो उसके अंदर डाइपोल मोमेंट कितना क्रिएट होगा सो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि पोलराइजेशन जो होता है वो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे तो वो पोलराइजेशन को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर आपने कंसिडर किया है तो उसका वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई पोलराइजेशन पी सो ये स्मॉल पी आपको पता है और इसकी वजह से इस डायपोल मोमेंट की वजह से अंदर इंटरनल जो फील्ड जनरेट होगी जिसे हम ईपी भी कहेंगे और उसी को हम इंटरनल फील्ड भी कहेंगे और उसकी वैल्यू होगी पी अपन थ्री एपसाइडर नॉट अब ये पी अपन थ्री नॉट कहां से आया ये थोड़ा सा आप यहां देख लीजिए क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी है स्मॉल पी की वैल्यू ये होती है और क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेरिकल शेप लिया है स्पेरिकल शेप के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो आर और थीटा में गिवन होते हैं सो पोलर कोऑर्डिनेट में पोटेंशियल का फॉर्मूला कितना होता है थीटा अपॉन स्क्वायर की जगह अपने रख दिया वन नॉट डाइपोल मोमेंट पी की जगह यहाँ से ये जो वैल्यू है ये हमने पी की जगह पुट कर दिया देन कॉस थीटा हमारे पास है देन नीचे आर स्क्वायर हमारे पास में है अब यहाँ से देखो कि फोर से फोर कैंसिल आउट हो गया पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आर स्क्वायर से यहाँ पर आर क्यू

फील्ड जो होती है, होती है है वी नो इज़ टू माइनस डेल लेकिन फाइव के अंदर केवल एक वेरिएबल है जेड इसलिए हमारे पास डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई लगाने का कोई मतलब तो है नहीं वैल्यू जीरो मिलेगी सो माइनस डेल फाइव डेल डेक्स करेंगे तो जेड का डिफ्रेंसिएशन वन हो जाएगा एंड वी विल गेट माइनस पी अपन एप्साइल ये हमारे पास इंटरनल फील्ड होगी इससे ही हम पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मानेंगे सो माइनसाइलोनोट वैल्यू जो है वो आपको समझ में आ गया होगा चलिए इतना समझ में आने के बाद इतना तो हमारे पास क्लियर हो गया नाउ द पोलराइजेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज पी इज इक्वलज ऑफ पी मोलिक्यूलर तो हमारे पास में यहाँ पे जो एवरेज पी मोल है इट इज द एवरेज डाइपोल मोमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स एंड एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको देखो हमारे पास कैपिटल पी जो कैपिटल पी जो होता है ये होता है कि आपके पास में नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया तो अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि ऑन एन एवरेज हर डाइपोल के पास में कितना डाइपोल एक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट मान लीजिए कितना है ऑन एन एवरेज एवरेज डाइपोल मोमेंट कितना है इतना है और यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन है और एक का डायपोर मोमेंट इतना है तो एन मॉलिक्यूल्स का डायपोर मोमेंट कितना हो जाएगा एन मल्टीप्लाई बाई पी मोलिक्यूल करेक्ट ये आपके पास टोटल मोमेंट हो जाएगा लेकिन ये जो टोटल मोमेंट आपको मिला है ये यूनिट वॉल्यूम में मिला है क्योंकि ये जो नंबर आपने लिया था ये यूनिट वॉल्यूम में नंबर लिया था सो दिस इज नथिंग बट द टोटल डायपोर मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम और टोटल डायपोर मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है कैपिटल पी सो इसलिए कैपिटल पी को आप लिख सकते हैं एन टाइम्स पी मोल एक मॉलिक्यूल का ऑन एन एवरेज डायपोल मोमेंट है उसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम एंड दैट विल बी कॉल्ड पोलराइजेशन सो ये वाला एक्सप्रेशन भी आपके पास यहाँ पे आ गया है दिस डायपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ये जो डायपोल मोमेंट होगा जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे उतने ज्यादा डायपोल्स बनेंगे उतना डायपोल मोमेंट होगा तो डायपोल मोमेंट जो है वो मॉलिक्यूल के जो ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अपलाई हो रही है उसके डायरेक्टली प्रपोर्शन होगा वो हमें पता है ठीक है टू एग्जिबिट दिस डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड वी डिफाइन मोलर पोलराइजेबिलिटी ये मोलर है या मोलिक्यूलर है ये हमें बुक से देखना पड़ेगा एक जस्ट अट कंफर्म कर लेती हूँ एक बार जहां पर गामा आएगा अः uh, यस yes, uh, हाँ हां ये है टू एग्जिबिट ये लिखा था मैंने टू एक्सिबिट दिस डिपेंडेंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्डाइंड मॉलिक्यूलर सॉरी वो मोलर मोलिक्युलर है मॉलिक्यूलर पोलराइजिबिलिटी गामा मोल अब ये आपके पास इसकी डेफिनेशन एग्जाम में वन मार्क में आ सकती है डिफाइंड मॉलिक्युलर पोलराइजिबिलिटी तो यहां से डेफिनेशन याद रखना इट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज मोलिक्यूलर डाइपोल मोमेंट विच इज दिस वन टू एपसाइलर नॉ टाइम्स द अप्लाइड फील्ड एट द मोलिक्यूल ठीक है ये हमारे पास में आएगा सो यहाँ पर मैं बता देती हूं आपको वापस वही चीज आ जाते हैं टू फी यहाँ पर मोलर नहीं आएगा ना मोलिकुलर आएगा सो मोलिक्युलर गामा मोल जो है उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे इट इज द रेशियो क्योंकि एक्सप्रेशन से निकालो एक बार यहां से गामा मोल निकालो सो so, इस एप्साइलोनोर को नीचे भेजना पड़ेगा और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी एक्सटर्नल फील्ड आपने लगाई ई e, और अंदर इंटरनल फील्ड जनरेट हुई ई e आई तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ई प्लस ई आई सो अगर मैं यहाँ से गामा की वैल्यू निकालू गामा तो वो आ जाएगा पी मोलिक्युलर अपॉन एपसाइलोर टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड और यही इसकी डेफिनेशन है दिस गामा मोल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एवरेज मोलिक्युलर डायपोल मोमेंट विच इज पी मोलिक्यूलर द अप्लाइड फील्ड एट द मॉलिक्यूल ठीक है ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा सो so, यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं ये जो p होता है क्योंकि ये जो p स्मॉल p होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे अप्लाई होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉग डाइपोल हमारे पास बनेगा तो इस साइन को हटाने के लिए हम कॉन्स्टेंट लगाते हैं और वो कॉन्स्टेंट होता है एप्साइलो टाइम्स गामा मोल तो हमने यहाँ पे वो लगा दिया एपसाइलोनो टाइम्स गामा करेक्ट इंटरनल फील्ड जो है ई आई है वो पोलराइजेशन की वजह से थी सो so, वो हमने यहां पर वैल्यू रख दी उसकी पी अपॉन थ्री अपॉन पी अपॉन नॉट वो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस साइन जो है हमने यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है ठीक है इसकी जो वैल्यू आती है वो उसी की डायरेक्शन में आ रही है यहाँ पे सो ई प्लस पी अपोन 3 एप्साइला नोट अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो वो हमारे पास पी uh, अपोन 3 अपॉन पी अपोन 3 एपसाइला नोट आया था एप्सिलॉन नॉट को अगर अंदर भेज दिया जाए तो हमें एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा नाउ पोलराइजेशन अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था एन टाइम्स पी मोल था पी मोल की जो वैल्यू है वो यहाँ से आपको मिली हुई है ये सारी वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर देंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन नंबर वन तो यहाँ से पोलराइजेशन तो हमें मिल गया अब हमें क्या करना है टाइम्स e करना है तो एक तो यहाँ रखना है और एक यहाँ रखना है ठीक है सो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो ये मिल जाएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टाइम हमारा ये बन जाएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे साथ में ही पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें ओके okay. अब हमें क्या करना है जो टर्म तो कैंसल आउट हो रहे हैं उनको कैंसल आउट कर दो जैसे एफ्साइलो नोट है एफसाइलो नॉट है एफसेलो नोट है कैपिटल ई है कैपिटल ई है कैपिटल ई है ये सब हमारे पास में यहाँ से कैंसिल आउट हो गए रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा वो आपके पास इस तरह से बचेगा ठीक है हमने यहाँ से काई की वैल्यू निकाली है काई की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखना काई का एक टर्म आपके पास यहां पर है एक टर्म आपके पास यहाँ पे है तो पहले दोनों काई को एक साथ लेके जाओ और फिर काई कॉमन लो काई कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा आरएचएस में ये अब फिर काई निकालना तो इसको डिनोमिनेटर में डाल दो ये ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है क्योंकि आपके पास जो हेडिंग थी वो थी मोलिक्युलर पोलराइ पोलराइजेबिलिटी विच मीन्स गामा मोल एंड इलेक्ट्रिकल सिससेप्टिबिलिटी विच मीन काई और इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप था वो इक्वेशन नंबर टू है सो so, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट तो ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल्टिबिलिटी एंड मोलिकुलर पोलराइजिलिटी हो गया अब एक आपके पास आता है अपन हम जानते हैं एपसाइलन की वैल्यू होती है एप्साइलोनोट वन प्लस काई टाइम्स ई यहाँ से काई की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास एप्साइलन अपन एप्सायनोट माइनस वन आ जाएगा ये जो वैल्यू है ये अपन ऊपर वाली रिलेशन में में so, में लेफ्ट लेफ्ट हैंड हैंड साइड साइड पुट पुट करेंगे ठीक है हमने कर दिया और राइट हैंड साइड में आपके पास एज इट इज वो है इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको गामा मोल निकालना है जो कि आप इजीली uh, कर सकते हैं क्या करोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सबसे पहले ठीक है राइट हैंड साइड में ये रहेगा तो आपके पास में लेफ्ट हैंड साइड में गामा मोल का टर्म है राइट हैंड साइड में गामा मोल का टर्म है गामा मोल के सारे टर्म्स को एक साइड लेना है गामा मोल कॉमन लेना है कॉमन लोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा सो so, ये रिलेशन मैं डिराइव नहीं कर रही हूँ आप एम एस सी के स्टूडेंट्स हैं आप ये रिलेशन इजिली डिराइव कर सकते हैं सोल्व करके सो so, ये जो रिलेशन है ये होता है क्लासिय मोसोटी रिलेशन अब जेडी जैक्सन में क्या लिखा हुआ है एक्स्ट्रा वो मैं बता देती हूँ आपको जो चीज़ हमारे काम की नहीं थी मैक्सिमम चीजें जो है मैं यहां पे कर देती थोड़ी मैं पढ़ाने का जरूरत नहीं समझती हूँ जो जो चीजें मैं बता देती हूँ पी वाला पार्ट हमने कर लिया था ई हमारे पास माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो हम अप्लाई करते हैं आ, हमारे पास यहाँ पे यहाँ से देखो इन डेंस मीडिया डेंस मीडिया विथ क्लोजली पैक्ड मोलिक्यूल्स क्या है ई नियर जो है वो एक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मोलिक्यूल क्लोज टू द गिवन मोलिक्यूल जिस मोलिक्यूल पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उसके बहुत पास के जो मोलिक्यूल्स है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन तो है ई e नियर और उसके पास में रिमेनिंग जितने भी मोलिक्यूल है जिनका डाइपोल बना है पोलराइजेशन की वजह से उनकी वजह से कंट्रीब्यूशन है ईपी ठीक है जब ये इनकी डायरेक्शन देखी जाती है तो इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट आती है इसलिए ई नियर में से ईपी को माइनस किया गया है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट क्यों आती है जैसे सपोज करो ये हमारे पास डायलेक्ट्रिक था हमने बीच में यहाँ पे स्पेरिकल पोर्शन मान लिया और इसमें जो इसका जो सेंटर है वहां पर हमारा वो मॉलिक्यूल रखा हुआ है जिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है अब हमने इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी करेक्ट बाहर पूरा डायलेक्ट्रिक है और ये वॉल्यूम जो है इसके अंदर दो चार मोलिक्यूल आ गए इसके नेबरिंग मोलिक्यूल आ गए ठीक है सो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो आपको पता है डायलेक्ट्रिक प्लेट जो है वो कैपेसिटर की तरह बिहेव करेगा सो इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो यहाँ पे आ जाएंगे सॉरी uh, मुझे बाहर लगाना था पॉजिटिव चार्ज तो बाहर की तरफ uh, बाहर वाली चार्ज पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी ये किसकी वजह से है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये किसकी वजह से है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है अब पोलराइजेशन की वजह से देखते हैं तो पोलराइजेशन की वजह से क्या होगा कि आ, ये जो नेगेटिव नेगेटिव है ये डायपोल जो अंदर बने हैं उस डाइपोल के सारे पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा सो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है करेक्ट तो हमारे पास में यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो, ओ सॉरी एक मिस्टेक मैंने कर दी इसको समझाने में जस्ट अ मिनट मी करेक्ट इट लेट मी करेक्ट इट एक्चुअली एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें कैपेसिटर पे जैसे चार्जिंग करते हैं वैसे चार्जिंग करेंगे मान लीजिए हमने जो डायलैक्ट्रिक है उसके अंदर हमारा ये वाला वॉल्यूम है सॉरी फॉर द कंफ्यूजन हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करनी है एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के लिए हमने इन प्लेट्स को चार्ज कर दिया ठीक है और ये हमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया प्लेट को और ये हमने नेगेटिव चार्ज कर दिया सो एक्सटर्नल फील्ड जो आएगी वो किसकी वजह से होगी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में होगी करेक्ट तो ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड है अब पोलराइजेशन की वजह से डाइपोल सारे डाइपोल का सारा नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव प्लेट अपनी तरफ कर लेगी और ये नेगेटिव प्लेट अपनी तरफ कर लेगी अब जो अंदर की वजह से जो पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी दिस इज पोलराइजेशन और क्योंकि आपने स्फेरिकल वॉल्यूम जो है वो कैविटी की तरह काम करेगा

डायरेक्शन वाइज वो ऑपोजिट आ जाती है हमारे पास में एनीवेज वेज यहाँ पे आप देख सकते हैं सो so, इस ईपी की वैल्यू तो अपन और इसका ईपी की मैग्नीट्यूड जो है वो पी अपॉन थ्री एफ साइरा नॉट है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन निकालते हैं नियर ई नियर जो निकालते हैं इसकी वैल्यू आगे जाके जेडीजेक्शन में सॉल्व किया हुआ है इसकी वैल्यू जीरो ही आती है इसलिए मैंने अपने डेरिवेशन के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया है आप चाहो तो अपने एग्जाम में सोल्यूशन में ये लिख सकते हो यहाँ पर ई नियर जो ई नीयर बना हुआ है ई नीयर को लिख के फिर आप ये लिख सकते हो कि ये जो ई नीयर की वैल्यू आती है ये जीरो आती है क्योंकि इसको सॉल्व किया गया है आगे ये सॉल्यूशन मैं नहीं बता रही हूँ ये देखो ई की वैल्यू ये कुछ डेरिवेशन किया गया है यहाँ पे यूजिंग द प्रीवियस फॉर्मूला जो ये देखो ई नियर जीरो आ रहा है यहाँ पे है ना देखो सिमेट्रिक सिचुएशन के लिए ई e नियर कितना आता है जीरो आता है इसलिए ये सिमेट्रिक सिचुएशन के लिए यहाँ पे यही बताया गया है सो so, ये करना जरूरी नहीं है आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ई e नियर की वैल्यू जीरो आती है इसलिए इस फॉर्मूले में देखो इस फॉर्मूले में इंटरनल फॉर्मूले के इंटरनल में जहां पर हमारा यह था ई आई इज इक्वल टू ई नियर माइनस पी था और ई e पी की वैल्यू कितनी थी माइनस का पी अपॉन थ्री एफ और था तो वो प्लस हो जाएगा है ना सो ई आई जो है वो हो जाएगा जीरो माइनस माइनस पी इस वजह से ई आई की वैल्यू कितनी है पीअपोन थ्री एफ साइलनोट और इसलिए जो मेरे वाले नोट्स थे उसमें मैंने ऐड किया था कहाँ पे किया था मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर देखो हमने उस पीएपोन थ्री एफ साइलन नोट को ऐड किया है यहाँ पे माइनस नहीं किया तो जेडी जैक्सन में आपको रिजल्ट मिल गया है कि हमने माइनस क्यों नहीं किया है ठीक है so, सो उसके बाद में क्लासिस मोसोटी का जो रिलेशन है वो भी आपको मिल चुका है और इलेक्ट्रिकल सेप्टेबिलिटी और उन दोनों के बीच का रिलेशन भी आपको मिल चुका है ठीक है सो ये था हमारा मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ठीक है आप इसमें से देख सकते हैं जो डिजेक्सन में से भी मैंने थोड़ा सा डेरिवेशन अलग किया है कुछ डिजेक्सन का पार्ट लिया है और ये वाली चीजें मैंने सेम ली है ये रिलेशन देखो 4.69 डिराइव कर लिया 4.70 ये रिलेशन ही आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं क्योंकि ये रिलेशन तो बताता है इलेक्ट्रिकल सबिलिटी और मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी के बीच में रिलेशन और ये आपके पास में कौन सी होती है क्लॉसियस मोसोटी इक्वेशन ये दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे जिनका डेरिवेशन मैंने आपको करवा दिया है सो थैंक यू